अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट ऑल राउंडर। मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया हुआ है, पहले था जनरल नॉलेज फैक्ट्री, तो अब आप जो है मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसको चेंज कर दिया, मैंने नेम चेंज कर दिया है, आप जो न्यू है सब्जेक्ट ऑल राउंडर। क्योंकि तकरीबन मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो केमिस्ट्री के हवाले से होते हैं, मैथ्स के हवाले से और कंप्यूटर के हवाले से, तो इसीलिए मैंने जो है नेम चेंज किया हुआ है। अब जो न्यू जो नेम है वो है सब्जेक्ट्स अराउंडर, जिसके ज़रिए आप सर्च करके जितने भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो जब सब्जेक्ट्स अराउंडर के यूट्यूब आज जो जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल इनवर्स ऑफ द मैट्राइसिस। तो मल्टीपल इनवर्स ऑफ द मैट्राइसिस, वैसे तो हम एडिशन तो पढ़ चुके हैं कि एडिशन तो आसान होता है, क्या करना है, आप सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, जितना भी आपका मैट्राइसिस है वो आपका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल इनवर्स आ जाता है तो फिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो अगर कोई भी दो, सपोज़ करें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीपल इनवर्स हैं? सपोज़ करें अगर हम दो मैट्राइसिस अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी, अगर उनका जवाब आपका यूनिट मैट्राइसिस में आता है तो मीन्स ये दोनों आपस में क्या हैं, मल्टीपल इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स में हमें कैसे पता चलेगा ये दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स है? सपोज़ करें हम ले लेते हैं ए या बी ले लेते हैं, कि सपोज़ करें ए एंड दूसरा है बी, ये दोनों में एडिटिव इनवर्स कब होंगे? तो हम जब इनको प्लस करेंगे, अगर जवाब आपका नल मैट्राइसिस आता है तो ये एडिटिव इनवर्स है। अगर मल्टीपल, आपसे मुझे ये मल्टीपल इनवर्स कब आ जाता है, अगर आपका जो सपोज़ करें 2x2 का है दोनों मैट्राइसिस, अगर उनका जो है यूनिट मैट्राइसिस अगर आपका जवाब आ जाता है तो मीन्स ये ए और बी आपके दोनों क्या हैं, मल्टीपल इनवर्स हैं। अब सपोज़ करें कोई हमारे पास आ जाता है कि इसी क्या सिर्फ आप फाइंड आउट करें कि क्या मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला है जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास है कि किसी का भी इनवर्स निकालना है तो वो इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट जो है वो डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट से इसके ज़रिए। अब उसके अलावा जब भी हम किसी का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जब करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ जो जहन में होनी चाहिए, वो चीज़ कौन सी होती है कि जो मैट्राइसिस है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सिंगुलर है तो मीन्स नॉट पॉसिबल, सपोज करें हमारे पास सिंगुलर है तो मीन्स नॉट पॉसिबल। अगर आपका नॉन सिंगुलर है तो आपका जो ये डिटरमिनेंट है वो क्या है, पॉसिबल है, वो आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ जिसके ज़रिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे। सपोज़ करें हमारे पास यहाँ पर है एक मैट्राइसिस है, ये ले लिया, तो सबसे पहले फार्मूला के मुताबिक हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? एडजॉइंट में करना कुछ नहीं है, आपने ये डायगोनल वाली पोजीशंस चेंज होगी, बाकी ये दोनों सेम जगह पे रहेंगे, लेकिन इनकी जो साइन है पॉजिटिव की होगी तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज। तो इसका जो एडजॉइंट निकलेगा वो हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर, ये हमने साइंस चेंज किए तो ये आपका आ गया 4-3, ये दोनों रिप्लेस हो गए। और यहाँ पर ये सेम ही लिखना है, लेकिन आपको करना क्या है, चेक करना है यहाँ पर दोनों के प्लस हैं तो यहाँ दोनों माइनस आ जाएगा। सपोज करें अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर ये प्लस हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पर ये दोनों प्लस के हैं तो ये माइनस करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना। तो डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करें, सेम इसको लेकर आते हैं, ये आपका मॉड्यूल ज़रूर देना है जब भी हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। बाई क्रॉस डिटरमिनेंट हम कब बाई क्रॉस के थ्रू करेंगे, तो सबसे पहले ये आपका होगा 4, 3 × 4, जब दूसरा आ जाएगा क्रॉस तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, -2 × 5, तो ये आपका आ गया 12 − 10, देयरफॉर आपका मैट्रिसेस जो आ गया वो डिटरमिनेंट आ गया आपका 2। अब ये 2 है तो मीन्स आपका नॉन सिंगुलर है, तो मीन्स इट इज़ अ पॉसिबल। ओके, अब इसको आगे हम सॉल्व कर देते हैं, तो सेम ही इस फार्मूला में पुट करें वैल्यूज, तो ये आपका एडजॉइंट कितना है, सेम यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4 − 2, जो हमने डिटरमिनेंट हमने कितना निकला, 2 निकाला। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, तो इसका कॉमन 1 निकला और ये 2 आपका कॉमन निकल आया, तो बाकी हमारे पास बचा 4 − 2 − 5 एंड 3। अब ये आपका जो
आ गया जो, अगर आप इसको फर्दर करना चाहते हैं तो फर्दर हम यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे, क्योंकि ये पूरे से जो है मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर सबसे डिवाइड अगर हो रहा है, इसका टेबल अगर लग रहा है, तो आप आगे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको भी आगे अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब इनसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये 4 × 1/2 − 2 × 1/2 − 5 × 1/2 − 5 × 1/2 − 3 × 1/2। तो जो आपका इनवर्स का जवाब आया वो आपका क्या आया, यहाँ पर आपका 2 − 1, इसमें कोई टेबल नहीं लगता, 5/2 एंड 3/2। तो ये आपका इनवर्स जो निकल गया। इसी तरीके से आप जितने भी मेट्राइसेस हैं उसके इनवर्स निकाल सकते हैं, अगर वो नॉन सिंगुलर हैं। बस यही जहन में रखना है कि नॉन सिंगुलर या सिंगुलर है। अगर इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, बेशक आप कमेंट कर सके पूछ सकते हैं, और या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो या मैथ्स की हो या कंप्यूटर की, वो आप मिस ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।